हेलो गाइस, स्वागत है आप लोग का फिर से भाई लाल टमाटर की रेस में। तो गाइस हम लोग जो आज काफी सारे खतरनाक चैलेंजेस करने वाले, तो कैसे आप सब लोग, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर दे। तो आज जो है हम लोग स्टंबल गाइस खेलने वाले गाइस, और उसके अंदर हम लोग जो है 4-5 राउंड खेलने वाले। तो देखते हैं कि हम लोग जो है जीत पाते हैं कि नहीं स्टंबल गाइस को। तो गाइस जल्दी से हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, बाकी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो चलिए हम लोग स्टंबल गाइस को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो गाइस। यहाँ पे रेस स्टार्ट हो चुकी है और हम लोग जो है आज बने हैं गिली सूट वाले मॉन्स्टर। तो भाई अभी हम लोग को जो है ये वाली रेस खेलनी है जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग है, और मेरे साथ मेरे सारे दोस्त जो है जो कि काफी खतरनाक प्लेयर है। तो देखते जीत पाते कि नहीं। और जो है सबसे आगे निकलने की कोशिश मैंने करी, लेकिन एक दोस्त ने मेरे को धक्का मार दिया और मैं भाई साहब हैमर से भी टकरा गया और पीछे आ गया। और सिंचन भाई तू खेल के दिखा दे। अरे भैया आपको तो खेलने ही नहीं आता, और तू चुप हो जा। हाँ नहीं तो तुझे बड़ा आता है खेलने, वैसे भी तू लाल कलर का है ना, मैं तो ग्रीन कलर का हूँ, इसका मतलब आज सिंचन नहीं खेल पाएगा। ठीक है भैया मैं आपको साइड से खेलते हुए देखूंगा। और ये देखो भाई सिंचन से बात करने के चक्कर में मैं तो भाई ठुक गया बहुत ही बड़े बाम्बू से, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग जो है दौड़ दौड़ के जाएंगे। और आज जो है मैं भाई दोनों हाथों से खेल रहा हूँ, और मैंने माइक खरीद लिया तो माइक को जो है मैंने टेबल पर रख दिया, वरना मुझे भाई गेम खेलते टाइम बहुत दिक्कत आती थी क्योंकि मैं मोबाइल से ही रिकॉर्ड करता था। और गाइज मैं पहुँच गया। ओ भाई साहब मैंने क्या ही जंप लगाई, एकदम एंड मोमेंट पर मैंने जंप किया, वरना तो मैं आउट ही हो जाता। और ये वाला मैच हमने क्वालिफाई कर दिया, नेक्स्ट राउंड यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है जो कि है आइस वाला। तो ओ भाई साहब तो अभी जो है काफ़ी कम बंदे बचे हैं, क्योंकि बहुत सारे मेरे दोस्त गधे हैं, वो लोग तो ये लेवल पार नहीं कर पाए पिछला वाला। ये वाला लेवल तो थोड़ा सा मुश्किल है भाई, क्योंकि इस पर जो है हम लोग स्किट करते हैं गाड़ी की तरह, मतलब ड्रिफ्ट मारते हैं। ओके तो भाई काफ़ी सारे बच्चे आगे निकल चुके हैं, कोई बात नहीं, 8-8 की जगह है ये वाले राउंड में, 8 लोग क्वालिफाई होंगे। तो हम लोग जो है फटाफट से पहुंच जाते हैं। ओ भाई ये भी बहुत दिक्कत देते हैं कैनन बॉल्स, क्योंकि ये आइस वाले होते हैं ना, तो इस पर बहुत तेज़ी से हम लोग फिसलते हैं, और यहाँ पे भी मुझे क्रॉस करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लगता है। ओ भाई बच बचा के तो मैंने कर दिया। अभी यहाँ से देखना मैं कितना अमेजिंग, ये देखो यहाँ से भाई मैंने बूस्टर ले लिया, और भाई मैं जो है बिना ट्रैम्पोलिन पे जंप किए, देखो भाई एक बंदा ऑलरेडी मुझसे आगे था, फिर भी भाई मैंने उसको इतने स्पीड में था मैं कि उसको पीछे ही छोड़ दिया। नेक्स्ट राउंड स्टार्ट हो चुका है, और अब जो है यहाँ पे खाली 16 बंदे है, 32 नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है मतलब मेरे दोस्त है वो क्रॉस नहीं कर पाए थे पुराने लेवल्स को। ओ भाई साहब ओ शट गिर गया नीचे। भाई साहब मैं क्या कर रहा हूँ आज, तो भाई मैं काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग खेल रहा हूँ, मज़ा ही आ गया, मतलब मैं नीचे गिरते गिरते बच चुका हूँ, समझ रहे हो आप लोग। भाई ये वाला लेवल भाई मुझे बहुत ख़राब लगता है, क्योंकि यहाँ पे जो है मैं 2-3 बार आउट होता उसके बाद ही आगे खेल पाता हूँ। ये देखो नीचे गिर गया, बस नीचे एसिड है, एसिड में जाने के बाद कैरेक्टर कुछ भी नहीं कर पाता है। तो भाई एक बार में क्रॉस करना तो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। ओ भाई साहब मैंने इसको भी क्रॉस कर दिया, कोई बात नहीं। लेकिन गाइस अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आगे ऐसे वीडियोज़ ना बनाऊँ, क्योंकि लोग काफ़ी ज़्यादा लाइक करते। और ये वाला जो लेवल है मुझे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत देता है, क्योंकि देखो मैं जहाँ पे भी जंप करता हूँ नीचे वो जगह गायब ही हो जाती है, ये सारे जो बटन से ऊपर आते हैं वो गायब ही हो जाते हैं जैसे ही मैं जंप कर रहा हूँ। देखो इस पे जंप किया, इस पे जंप किया, गायब, यही होता है मेरे साथ, यही होता है। तो देखा यही होता है भाई, मैं जिस पे भी जंप करता हूँ ये देखो गायब, और जब मैं जंप कर रहा था वो आ रहा है, मतलब जब मैं आउट हो जा रहा हूँ तब वो बटन आ रहा है। ओ भाई पार हो जाएगा, हो गया भाई साहब, किस्मत भाई आज पता नहीं मैं कैसे इतना मस्त खेल रहा हूँ। और भाई मैं क्वालिफाई भी हो चुका हूँ, और ये हमारा एक और राउंड स्टार्ट हो चुका है, मेरे ख्याल से लास्ट राउंड होगा, क्योंकि देखो एक ही बंदा जीतेगा हम सब लोगों में से, 8 लोगों में से, और वो मुझे पता है कौन जीतेगा, वो रोबोट जैसा दिखने वाला बंदा, हाँ ये येल्लो कलर वाला ही जीतेगा ये वाला मैच, क्योंकि भाई ये मैच मैं ऑलरेडी खेल चुका, और यही बंदा भाई पिछली बार भी जीता था। और ये मैं क्या कर रहा हूँ भाई, बात करने के चक्कर में पता नहीं मैं कैसे खेल रहा हूँ। पीछे आ जा, पीछे आ जा, हाँ बच गया, चलो अभी एक ही बार में इज्जत से ये वाला लेवल क्रॉस कर देंगे। मुझे ऐसा लगता है मैं एक ही हाथ से बढ़िया खेलता हूँ यार, क्योंकि ये दो हाथ से खेलने के चक्कर में भाई देखो ना खेलने ही नहीं जम रहा। हो जाएगा क्रॉस, हो जाएगा थोड़ा सा, और अगर मैं यहाँ आके आउट हो रहा हूँ ना भाई तो बहुत ही मतलब ख़राब बात है, लेकिन कोई बात नहीं। देखो वो रोबोट वाला बच्चा भाई काफ़ी ज़्यादा आगे निकल चुका है, और वही ये वाला मैच, अच्छा नहीं वो अभी यहीं पर, कोई बात, अरे देखा मैंने बोला ना वो रोबोट वाला एक और बच्चा है वो आगे निकल चुका था, कोई बात नहीं गाइस हम लोग ये वाला वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट सेक्शन में बता देना कि आपको वीडियो कैसा लगा है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बोलो लाल टमाटर को बाय।